आने दो भाई जान, आने दो। तो फाइनली यार न्यू मिनी जू के लिए रेत और ईंटें आ चुकी हैं। काफी दिन से इनका इंतजार था और न्यू मजदूर भाई भी आ चुके हैं जो कि यहाँ से खुदाई कर रहे हैं। यहाँ पर दीवार बनेगी, मतलब दीवार नहीं, मतलब ये एक बेस बनेगी ना, जहाँ जिस जानवर का घर बनेगा उसका ना अलग से एक किस्म का पोर्शन होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर खुदाई चल रही है, वहां तक खुदाई अंदर भी होगी, काफी काम रहता है। अभी ये हो जाएगा, उसके बाद दीवारें खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, पहले उस तरफ से दीवार ऐसे बनाई थी सीधी, अब यहाँ से बनाएंगे दीवार के लिए खुदाई। भाई कोई खजाना मिले ना बता देना, ठीक है? क्या हुआ? खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? इधर आ सिप्पी, इधर से दिखाता हूँ तुम्हें। क्या है? और इतने ज्यादा अंडे देख रहे हो? कौन से? ये देखो, दर्जनों में अंडे पड़े हुए यार यहाँ तो। ओ भाई साहब, किस चीज के हैं? मुर्गियों के? मुर्गियों के होंगे और किस चीज के होंगे? इकट्ठा करें इनको। चलो एक मिनट, मैं जाता हूँ। भाई अंदर चलते हैं। ओ भाई ये क्या है? ओए टूट ना जाए। ध्यान से तुम इकट्ठे करो, मैं भी आ रहा हूँ। बल्कि भाई ये तो पूरा बेड बना हुआ है अंदर, मैं तो आज इधर सो रहा हूँ। देख रहे हो यार, इतना नरम से इन्होंने बनाया हुआ, पूरी प्राली डाली हुई है इतना। बंद क्यों कर रहे हो? बंद नहीं करो। बंद नहीं करूँ क्या? कोई चीज तो ना जिसमें अंडे इकट्ठे करूँ। अच्छा ये दे दो, इसमें इकट्ठे करता हूँ। तुम बाहर आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। मुझे पता चल गया है क्या क्या सीन है, मुझे सब पता चल गया, शक हो गया मुझे। आप लोगों को भी नहीं शक हुआ? ठीक है, और है ऐसा से टूट जाएंगे। उठो, टूट जाएंगे यार, आराम आराम से उठाते हैं। उठो, उठो। सारे अंडे यार हमने उठा लिए हैं और ये हम बाहर लेके चलते हैं। अय्या, और भी हैं ब्रो, ये सारे अंडे हैं मुर्गियों। यार क्या हो गया था मुर्गियों को? सिर्फ मुर्गियों को भाई अचानक से इमरजेंसी में अंडे देने पड़ गए। हमने क्या, हमने अंडे खाने हैं? उन्होंने क्या, हम अभी दे देते हैं सारे मुर्गे? मेरे पास कोई टॉम एंड जेरी वाली मुर्गी तो नहीं आ गई? अब वो जो फेंकती रहती है। हमने कहा भाई आपका हुक्म सराखों पर, इतनी अच्छी मुर्गियां हमारी, ध्यान देखे। आ गए अंडे, कितने ज्यादा है? इतने अंडे 30 नहीं है। अब क्या करें इसका बताओ? मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठे हैं या ये अंडे आपने खाने हैं, जल्दी बताओ। इनके बच्चे देखते हैं पहले। इनके बच्चे देखते हैं फिर खाओगे? एक और चीज कर सकते हैं शियान, ये देख रहे हो? इधर आओ, पीछे उतरो आप थोड़ा। शान पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। अंडों का क्या करने लगा, पता है क्या करने लगा हूं? एक दो ये क्या हुआ, अंडे टूटे ही नहीं। नकली अंडे हैं क्या? तो यार हमने शान के साथ प्रैंक कर लिया है, सारे नकली अंडे थे। इतनी ज्यादा मुर्गी थोड़ी अंडे दे सकती है। मैंने उठाओ, चलो जल्दी जल्दी चलो। सारी मुर्गियां परेशान हो गई कि भाई ये कहां से अंडे आ गए, हमने तो दिए नहीं। भाई ये तुम्हारे अंडे नहीं है। तो भी दोस्तों ये सारे अंडे मैं अपनी मुर्गी के पास लेके जा रहा हूँ। हमने शयान को तो बुद्धू बना लिया, अब मुर्गी को देखते हैं कि इन अंडों की पहचान मुर्गी को होती है असली नकली की या नहीं होती, या वो भी शयान की तरह बुद्धू है। तो सिप्तैन इसके अंडे हटा लो, बल्कि यूं करो। इसने कल 3 खा लिए थे यार, अब सिर्फ बच्चों के 7 से 8। उठा लो इसको, उठा। ये वाले अंडे भी रख दें क्या? उई बस अरे खा गई यार, ये तो 3 बच्चे हुए हैं। अब इसको हम अंडों के ऊपर भाई बिठाते हैं, इन नकली अंडों के ऊपर इसको पागल बनाते हैं। हाँ खाएगी नहीं, फिर इसकी आदत खत्म होगी ना। जरा हटाओ सिप्तैन, अच्छा आईडिया है वैसे तेरा। हाँ जरा ये, जब इसको पता चलेगा इसमें से कुछ नहीं निकलता फिर इसकी आदत खत्म हो जाएगी। हाँ इसको बिठाओ, आप यहाँ छोड़ दो, कुछ जाएगी नकली अंडों पर शायद, देखते हैं क्या करती है। वो समझ रही होगी मेरी पार्टी होने वाली है, इतने ज्यादा अंडे आ गए सब खाऊंगी। अब देखें ये बैठ गई है यार, वाह पागल मुर्गी। खैर दोस्तों हम इसको बस 10 से 5 मिनट के अंदर उठा लेंगे और हम ना इन अंडों को दिखाएंगे वहाब भैया को, और वहाब भैया के सामने सारे अंडे नीचे जमीन पर गिरा देंगे और फिर देखेंगे हमारे वहाब भैया का क्या रिएक्शन है। क्योंकि वहाब भैया जल्दी रिएक्शन करते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखिएगा अंडों से उनको जितना प्यार है ना, हाँ जानवरों से नहीं। आपको मैं पहले भी बताता था, वहाब भैया एक एक अंडा इकट्ठा करते हैं, उनको रखते हैं, सेव रखते हैं, उनको बहुत खुशी होती है अंडे इकट्ठा करने में। लेकिन जब हम इन अंडों को उनके सामने नीचे गिराएंगे और फिर देखेंगे वहाब भैया क्या करते हैं। सुन तो नहीं रहे यार, टाइगर यार कब से बंद हुआ पड़ा है, हमने क्या इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, इसके साथ खेलते हैं। तो अब खेलो, भागो, तुम्हारे पीछे भागता है कि नहीं भागता, चेक करते हैं। नहीं भागेगा, अभी अपनी मर्जी से घूमेगा ये। अच्छा देखो ना, वाह आएगा आएगा तुम्हारे पास आएगा। भागो भागो, चुटकी से बचा के, चुटकी काट सकती है इसको।
हाँ भाई, किस किस जानवर से तुमने दोस्ती करनी है? यहाँ पर छुटकी भी है, छुटकू भी है, मुर्गियाँ भी हैं, गाबा भी है, खरगोश भी है, छोटे छोटे सारे जानवर हैं। तुम किससे दोस्ती करना चाहोगे या हमारे पास आना चाहोगे? भाई ये किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता, हमारे साथ करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब सूरज की रोशनी खत्म होगी, अब चलो अपने इसको रूम में लेके चले। घुमाना फिराना नहीं है इसको? घुमाना फिराना नहीं, अभी इसकी एज नहीं है घूमने फिरने की भाई, छोटा है, खराब हो जाएगा। ओके भाई, चलो रूम में चलो। सही है भाई, चलो आ जाओ। आराम से यार। हाँ भाई जाओ ऐसे। चलो जी, शाबाश। तो यार हमने अपने टाइगर को ना यहाँ पर बंद कर दिया है, और मैंने यहाँ पर हीटर भी चला दिया है, गर्म हवा इसको लगती रहेगी, और थोड़ी देर के बाद हम आएंगे, इसको खाना देंगे, दूध पिलाएंगे। अभी इसको ऐसे यहाँ पर रहने देते हैं। तो ठीक है टाइगर, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं तुम्हारे पास। ओके, अल्लाह हाफिज। तो मेरे पास है दोस्तों अब रैबिट्स का खाना, और देखिएगा दोस्तों रैबिट्स को जूं ही मैं दिखाऊंगा ना, बल्कि उन्होंने देख लिया है, अब मेरे पीछे खुद ब खुद आते रहेंगे। ये लो भाई, आ जाओ। देखें, ये देखें मेरे करीब आ गए हैं सारे, इनको खाना ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो इधर आओ यार, तुम्हारे घर के साथ ही डालता हूँ मैं, आ जाओ। सॉरी मैंने तंग किया आपको, आ जाओ। ये देखें कैसे लाइन में आ रहे हैं दोस्तों, इनको डाल देते हैं हम यहाँ पर। चलो भाई खाओ। अब यार रैबिट्स के बच्चे जो जो बड़े हुए पड़े ना, उनको भी खुशबू आएगी, और वो भी अपनी बिलों से बाहर निकलेंगे और अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ खाना खाएंगे। तो उनका मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ खुद कैसे आते हैं, खाते हैं। छोटे छोटे थे जब देखा था, अब बड़े हो गए। तो यार हमने बहुत वेट कर लिया बच्चों का, ये बाहर नहीं आ रहे, तो बाद में आएंगे, इनको देखेंगे जब मतलब ये खुद अपनी मर्जी से आएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ नीचे, आ जाओ, खाने का टाइम हो चुका है। डालो तो आप डाल दो, इनको दाना डालते हो। आ जाओ, शाबाश। हाँ सर, हम कबूतरों को ना शाम की डाइट दे रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं, क्योंकि इनको दिन में दो टाइम मिलता है, मतलब कि एक सुबह एक शाम को, ज्यादा इनको खाना नहीं देते, बस इतना काफी होता है इनके लिए। खा लो भाई, लड़ो नहीं। तो यार शाम हो चुकी है, और अभी तक यार वहाब भैया ऑफिस से नहीं आए, हम उनका वेट कर रहे थे कि उनके साथ हम प्रैंक करेंगे। तो हम अपनी मुर्गी को हटा देते हैं, बेचारी नकली अंडों के ऊपर बैठी हुई है। सितैन इस मुर्गी को हटा दो यार, नकली अंडों पर बैठी हुई है, और बैठी कैसे हुई है पागल, क्या पता है प्लास्टिक अंडे भी खा गई हो। भाई फुल गर्म हुए पड़े सिपी हीट। इसको वापस बिठा दो, ये कल तक ये भी नहीं होंगे, देख लेना। वहाँ भी आएंगे ये अंडे उठाने की, इतने अंडे आगे नाश्ते में खाते। हाँ ये भी हो सकता है यार, चलो रख दो, रख दिया, चलो बंद कर दो। और यहाँ पर यार मैं आपको बता दूं, हमारे रैबिट्स के बच्चे अब मजीद नहीं आने वाले, क्योंकि हमने ना मेल रैबिट को छत के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर जो भी घूम रही है फीमेल रैबिट घूम रही है, तो ये अब यहाँ पर ऐसे ही घूम रही है बिना बच्चों के, क्योंकि मेल रैबिट बच्चे बड़े होंगे फिर बात है। हाँ ना, ये वैसे भी हमने यार मेल रैबिट पता क्यों हटाया था यहाँ से, क्योंकि ये हमने ना सेफ्टी रूम तोड़ना था, हम चाहते थे कि यार कोई नीचे जमीन के अंदर बच्चे ना दब जाएं, छोटे छोटे होंगे ना, इस वजह से हमने हटा दिया था। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और इसको तो ठंड लगी हुई है सिप्तान, यार नवीद भाई वाली बकरी को ठंड लगी हुई है यार, गैया को अंदर बंद करते हैं सही है, ताकि फिर गैया की हीट आए ना, वो जब हवा शवा बाहर निकालती है ना गैया मुंह से, तो सारा हीट अप हो जाता है कमरा, हमारे लिए हीटर का काम करती है। हाँ हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी हीटर लगाया हुआ होता है हमने, जैसे उधर लगाया हुआ टाइगर के रूम में। चलो निकालो गैया को।